बहुत स्पेशल है और आज का ब्लॉग क्यों स्पेशल है वो तो आप लोग सब टाइटल से समझ ही गए होंगे। तो बस 7:30 हो रहे हैं और हमने हमारी जर्नी शुरू कर दी है दिल्ली से वृंदावन के लिए। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं और देखते हैं आगे की जर्नी, आगे का सफ़र कैसा होता है। आई एम ऑल एक्साइटेड। हरे कृष्णा, राधे राधे। चलते चलते हम पहुंच गए हैं गुलशन ढाबा पे और क्योंकि हम यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं आ रहे हैं, हम फरीदाबाद वाले रास्ते से आ रहे हैं। तो इस स्ट्रेच पे ना एक ढंग का रेस्ट रूम मिलना, एक ढंग का वॉशरूम मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और जब से हम चले थे हम एक बार भी रुके नहीं। तो बस हम यहाँ पर रुके, थोड़ा मैं वॉशरूम होके आई हूँ क्योंकि पूरे स्ट्रेच पे मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी और सफ़र पे थोड़ी बहुत चीज़ें चलती हैं और यू नो आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए होता है। और बस अब हम वापस निकल रहे हैं। कृष्णा भी आ गई है अपना खेल के, वहाँ पे पीछे स्विंग्स हैं तो वहाँ पे खेल रही है। और अब बस निकल रहे हैं, कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाना, बस अब हम पीछे बैठ रहे हैं। पीछे गाइस मैंने ना हमने बेड बिछाया हुआ है तो देखना रोड पर ना चली जाए। तो अब बहुत देर से हम आगे बैठे हुए हैं, अब मैं सोच रही हूँ पीछे बैठ रहे हैं बेड पे। और अगर आप भी बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बेड बिछा रखा है। बेड मैंने अमेज़ोन से लिया था और इसका प्राइस 3000 रुपीज़ था और ये नॉन रिटर्नेबल है एंड आई थिंक ये बेस्ट है बच्चों के साथ ट्रैवल करने के लिए। तो इसका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो गाइस वृंदावन पहुंचते ही हम सबसे पहले वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम करते हुए अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे एंड दैट इज चंद्रोदय मंदिर। दुनिया में अब तक का सबसे विशाल और भव्य और ऊंचा मंदिर वृंदावन में बनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का नाम है चंद्रोदय मंदिर। यह 700 करोड़, जी हाँ 700 करोड़ का मंदिर बन रहा है और इनफैक्ट माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे महंगे मंदिरों में से एक होने वाला है। मंदिर की योजना ISKCON बैंगलोर द्वारा बनाई गई है और ये लगभग 210 मीटर मतलब 700 फीट की ऊंचाई तक की इसकी हाइट होने वाली है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं, मंदिर के अंदर दर्शन करवाते हैं। तो गाइस ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट ISKCON बैंगलोर के द्वारा बनाया जा रहा है और ये भारत की गौरवशाली संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए ही बनाया गया है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के जो मेन डीटीज़ हैं उनका नाम श्री राधा वृंदावन चंद्र है और इस मंदिर की ऊंचाई 700 फीट है। तो अब मैं आपको दर्शन करवाती हूँ श्री राधा वृंदावन चंद्र के। श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुकून मिलता है मंदिर आते ही। और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ के मुझे शायद प्रभुपाद जी का ये ऑफिस था जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ मुझे प्रभुपाद जी की एक प्रतिमा दिखी तो बस प्रभुपाद जी को प्रणाम करके यहाँ देखिए अब कृष्ण भी प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रही है। तो प्रणाम करके हम आगे बढ़े तो हमें मंदिर का एक मॉडल दिखा। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर जब बन जाएगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। और बस फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हुए अपनी आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ अभी आपने बहुत सुंदर प्यारे से दर्शन करे होंगे राधा माधव के और बस अब हम यहाँ से निकल गए हैं। और ये मैंने एक ले लिया गाइज़, ये वो होता है जिसपे बुक रख के पढ़ते हैं ना, तो मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रही हूँ तो उसके लिए मुझे चाहिए था। इसे कहते क्या है मुझे नहीं पता बट मेरे लिए तो ये बुक स्टैंड है जिसपे मैं अपनी भागवतम रख के पढ़ सकती हूँ। अदरवाइज़ लैब पे रख के पढ़ती थी। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ थी। ये 200 रुपये का मुझे मिला है, इससे हाई कैटेगरी वाला भी था। तो बस अब हम लोग भाग रहे हैं क्योंकि हमें बाकी मंदिरों को भी कवर करना है, दर्शन करने हैं। तो बस अब जा रहे हैं और कृष्ण भी थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है। मंदिर कहीं 6 फीट बन गया है अभी तो और बहुत बहुत ऊंचा मंदिर बनना बाकी है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो बस अब आगे चलते हैं। तो वृंदावन की कुंज गलियों में घूमते हुए और अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए हम पहुँच गए श्री राधा रमन जी के मंदिर। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, बाई और राधा रमन जी का वास्तविक प्राकट्य स्थल है और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है। एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास कोई भी पर्सनैलिटी नहीं थे, तो एक बार एक व्यापारी था, वह उनसे मिलने आया और उन्हें कपड़े, आभूषण और बहुत ही कीमती चीज़ें उन्होंने उपहार में दी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी थोड़ा उदास हो गए और उन्हें यह एहसास हुआ कि वह उन सब चीज़ों का क्या करेंगे, और उन्होंने मन में ही सोचा कि यदि उनके पास कृष्ण जी का विग्रह होता तो वह इन सब का उपयोग श्याम सुंदर को सजाने में करते। अगली सुबह जब वह उठे तो उन्होंने पाया कि जिन 12 शालिग्राम शिलाओं की वह पूजा करते थे उनमें से एक ने राधा रमन जी का आकार ले लिया था। तब से राधा रमन जी के विग्रह की पूजा उसी गोस्वामी परिवार द्वारा की जाती है जिसे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी की सेवा के लिए नियुक्त किया था। गोस्वामी ने राधा दामोदर की जो मूर्ति है उनकी नक्काशी की और उन्हें पूजा करने के लिए श्रील जीव गोस्वामी को दे दिया। यहाँ ISKCON के संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद 6 वर्ष तक रहे। इसी दामोदर मंदिर में वह प्रभुपाद जी रहे थे और यहीं से उन्होंने भगवान के पवित्र नामों का प्रचार करने के जो मिशन है उसके लिए कई पुस्तकें लिखी, कई किताबें लिखी। अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के निर्देशन पर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे विश्व में फैलाया। श्रील प्रभुपाद ने अक्सर उल्लेख किया है कि जब वह श्री राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो उन्हें अपनी किताबें लिखते समय मार्गदर्शन करने वाले श्रील रूप गोस्वामी की उपस्थिति स्वयं महसूस होती थी। तो अभी दर्शन बंद थे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मंदिर के पट जैसा आप देख सकते हैं कि अभी बंद थे, तो हम तुरंत ही चले गए प्रभुपाद जी के रूम, उनके दर्शन करने हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राधा दामोदर मंदिर में सुबह के समय वह लिखते थे, वह जप करते थे और उसके बाद वे जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी की समाधियों की परिक्रमा करने चले जाते थे और लगभग 10 बजे वह बाकी मंदिरों के दर्शन करने जाते थे और रास्ते में आते हुए वह सब्जियाँ खरीदते थे और लगभग 11 बजे लौटते थे। तो हमने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। यहाँ रूम में एक अलग ही ऊर्जा है, आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे। और बस सामने ही बिल्कुल प्रभुपाद जी की किचन है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे प्रभुपाद जी अपने बर्नर पे दाल, आलू, चपाती और अन्य सब्जी भोग तैयार करते थे भगवान का, और यहीं से वह श्रील रूप गोस्वामी की समाधि के भी दर्शन करते थे। और ये देखिए, ये बाकी सब वैष्णव की आचार्यों की समाधि है और यहाँ आप देख सकते हैं अब कि जीव गोस्वामी जी की भी समाधि है। तो हमने सभी की समाधियों को के सामने प्रणाम किया और इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप जब यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि इस जगह की एक अलग ही ऊर्जा है और बहुत अच्छा लग रहा था। सभी को प्रणाम किया, परिक्रमा की, उनसे प्रार्थना की। और यहाँ देखिए कृष्ण भी कैसे गैयों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है, उन्हें प्यार कर रही है। और सामने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व के साथ पूरा बिल्कुल वो इतने सुंदर उनके दर्शन होते हैं। और यहीं पे वह रूप गोस्वामी जी की समाधि है और यहीं पे वो पॉइंट है जहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ, एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो जगह है देखिए जहाँ से प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर खुल गए हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे दर्शन रह गए, बट राधा दामोदर और राधा रमन लाल जी के हमने आपको सुंदर से दर्शन करवा दिए। और अब हम आए हैं कुछ खाने के लिए। इडली कर दो, इडली। तो हम लोग आए हैं बीकानेर वाला, ये प्रेम मंदिर के आगे ही पड़ता है। बस बीकानेर वाला पे हम कुछ खाएंगे बिकॉज कृष्ण जी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और सुबह से हम थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो गए हैं। तो बस क्या टुडे वन में हमने स्टे किया दिल्ली धाम धर्मशाला में। इसके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हालांकि मुझे यहाँ इतना अच्छा स्टे नहीं लगा, हमने सेकेंड डे रूम भी चेंज किया। तो बस अब हम निकल गए श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर के दर्शन के लिए। और ये बेहद प्राचीन और पूजनीय मंदिर है वृंदावन का। तो आइए आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए मदन मोहन जी के। हम ये पीने आए, एक्चुअली ये पीने आई है इसको क्योंकि इसने आज खाना भी नहीं खाया कुछ। और सुबह से कुछ इसने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था क्योंकि हम जल्दी चले गए थे, लंच भी नहीं किया ढंग से। तो इसलिए अब हम उसको सोच रहे हैं कि जूस पिला दें क्योंकि फिर डिनर में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इसलिए बस जूस पियेंगे, फिर दर्शन के लिए चलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं मदन मोहन जी के मंदिर। तो मदन मोहन मंदिर वृंदावन के रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और ये सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और काली घाट के पास स्थित है। सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित यहाँ मदन मोहन के साथ राधा रानी और ललिता सखी भी हैं। मदन मोहन जी के जो डीटीज हैं उनकी खोज अद्वैत आचार्य द्वारा एक पुराने बरगद के पेड़ के आधार पर की गई थी जब वे वृंदावन गए थे। उन्होंने मदन मोहन की सेवा अपने शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को दी, जिन्होंने तब सनातन गोस्वामी को श्री विग्रह सौंप दिया, जिन्होंने वृंदावन में कुल अराउंड 43 ईयर्स बिताए थे। यहाँ मदन मोहन के साथ राधा रानी और ललिता जी की पूजा भी की जाती है। और क्योंकि मुगलों ने पूरी कोशिश की हमारे सनातन धर्म के सभी मंदिरों को तोड़ने की, इसलिए भगवान मदन मोहन की जो डीटीज हैं उनको जयपुर शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि मदन मोहन के कमर के नीचे का हिस्सा साक्षात कृष्ण भगवान के समान दिखता है। तो आइए अब मैं आपको मदन मोहन जी के दर्शन के लिए ले चलती हूँ। तो मदन मोहन जी के दर्शन करने के बाद हम श्री सनातन गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन करने के लिए चले गए। और सनातन गोस्वामी जी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन पहाड़ी के पास मानसी गंगा जो है ना, वहाँ पे अपना शरीर त्यागा था। और वहाँ से उनको मदन मोहन जी के मंदिर लाया गया। और यहाँ से हम निकल गए श्री राधावल्लभ जी के दर्शन के लिए। था और कल भी शायद हम लोग यहीं स्टे करने वाले हैं क्योंकि अभी हमने जहाँ स्टे किया हुआ है वो जगह हमें कुछ इतनी खास नहीं लगी, तो हम यहीं स्टे करेंगे। एक्चुअली लास्ट टाइम हमने यहीं स्टे किया था, बट इस बार यहाँ पे मुझे ऑनलाइन इसके ऑप्शंस दिख नहीं रहे थे, बट यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ रूम्स अवेलेबल हैं, तो हम यहीं स्टे करेंगे। लास्ट टाइम जब मैं वृंदावन आई थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट कल मैं आपको रूम टूर दूँगी। और यहाँ का जो मील्स हैं वो बहुत टेस्टी होती हैं, इसलिए हम डिनर करने तो स्पेशली यहीं आए हैं। तो आज है 25 सितंबर, जी हाँ वही स्पेशल डे। और दिन की शुरुआत की हमने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन से। रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि अलाउड नहीं था। और अब आप कर रहे हैं हमारे साथ वृंदावन में यमुना जी के दर्शन। तो मेरे साथ बोलिए, यत्र वृंदावन नास्ति ना यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मेना मनः सुखम। तो श्री राधा रानी ने कहा, मेरा दिल ऐसे किसी स्थान पर खुश नहीं हो सकता जहाँ कोई वृंदावन नहीं, जहाँ यमुना नदी नहीं और जहाँ कोई गोवर्धन पर्वत नहीं। तो इतनी महिमा है यमुना जी की। और यहाँ से हम चले गए गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन। तो अभी हम आ गए हैं गोपेश्वर मंदिर। और मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात को रासलीला जब कर रही थी, तब भगवान शिव ने रासलीला का आनंद लेने के लिए उसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि भगवान शिव को ऐसे करने की अनुमति नहीं थी और वृंदा देवी ने उन्हें ऐसा करने से रोक भी दिया। तब भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्प से भगवान शिव ने देवी राधा से प्रार्थना की और ध्यान करना शुरू कर दिया, जिन्होंने उन्हें सखी भाव में प्रेरित होने के बाद रासलीला में शामिल होने की अनुमति दी। भगवान शिव ने पवित्र यमुना नदी में डुबकी लगाई और एक सुंदर युवती के रूप में वह प्रकट हो गए, जिसके बाद उन्हें रास मंडल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण ने उनके स्त्री रूप को पहचान लिया और उनका नाम गोपेश्वर महादेव रखा। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि गोपेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग स्थित है वह वही है जिसकी पूजा ब्रजभूमि की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को पति के स्वरूप में पाने के लिए करती थी। गोपेश्वर महादेव में आप जानते हैं श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? जैसे आप में से कोई दिल्ली, तो कोई अहमदाबाद, तो कोई मुंबई रहता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। दर्शन करके अब हम आ गए हैं कृष्ण बलराम मंदिर। और यहाँ पे हम कृष्ण बलराम जी के मंदिर दर्शन करेंगे। आदि तो सुबह मंगला में भी गए थे, मंगला अटेंड करके आए हैं क्योंकि आज बर्थडे है। और स्पेशली हम आए एक दिन पहले इसलिए थे कि ये मंगला अटेंड कर पाए, इनको मंगला अटेंड करनी थी। तो सुबह भी गए थे, फिर गुरु महाराज की समाधि पे भी गए थे। तो बस अब हम दर्शन करेंगे और फिर गोविंदास पे जाएंगे, वहाँ पे फीस्टिंग होगी। तो मंदिर एंटर करते ही हम सबसे पहले वैष्णव को प्रणाम करते हैं, फिर श्रीला प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं और फिर श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो ये मैं आपको मंगल आरती के भी दर्शन करवा रही हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आज उनका बर्थडे है, तो स्पेसिफिकली इसलिए वो आज मंगल आरती के दर्शन के लिए गए। फिर वहाँ से ये गुरु महाराज की समाधि पे दर्शन के लिए गए। तो हम जब मंदिर आए तो हमने सबसे पहले प्रभुपाद जी की समाधि पे उनके दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। कुछ देर यहाँ बैठे कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम गए राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई के दर्शन के लिए। तो मैं आपको भी करवाती हूँ उनके दर्शन। तो कोई अगर पूछे ना कि ट्रिप का बेस्ट मोमेंट क्या था, तो ये तो सर्टनली था गाइस। इतना अच्छा लग रहा था ना, हम सभी ने संकीर्तन में पार्टिसिपेट किया, डांस किया, बुक्स भी खरीदी। तो यदि आप भी प्लान करना वृंदावन आने का तो कृष्ण बलराम ISKCON टेम्पल के बाहर 7-7:30 बजे के बीच ऐसे ही संकीर्तन होता है, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेकंड होटल श्री राधा बिहारी निकुंज इन, और इसकी भी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब हम चलते हैं हमारी लास्ट और फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो है श्री रंगजी मंदिर। तो श्री रंगजी मंदिर के पीछे की कहानी 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के एक संत गोदा, जिन्हें अंडाल के नाम से भी जाना जाता है, और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक विशेष बंधन के ही इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने तिरुप्पुवाई के छंदों में श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया, जहां उन्होंने उपवास किया, गाना गाया और उनसे विवाह करने की भी कामना की। जवाब में श्री रंगजी मंदिर में भगवान रंगनाथ, जो कि कृष्ण का ही एक रूप है, उनके दूल्हे बने। मंदिर के दक्षिण भारतीय विवाह को दर्शाता है मंदिर, जिसमें श्री कृष्ण छड़ी पकड़े हुए हैं और अंडाल उनकी दाहिने ओर और गरुड़ उनकी बाईं ओर है। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा एक सरोवर है। रात में ये मंदिर इतना सुंदर लग रहा था, तो आप सोच सकते हैं कि दिन में ये मंदिर कितना सुंदर लगेगा। साउथ इंडियन स्टाइल का थोड़ा आर्किटेक्चर है एंड गाइस, बहुत सुंदर मंदिर है। मैं पहली बार गई थी एंड इट्स अ मस्ट विजिट, आप ज़रूर जाइए यहाँ। तो गाइज़, आई होप आपको हमारा ये वृंदावन का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड जितनी कोशिश की हमने, उतने टेम्पल्स को हमने कवर किया, और यहाँ पे अभी और भी बहुत मंदिर है। हम कोशिश करेंगे कि जब हम नेक्स्ट टाइम वृंदावन आए, तब हम और टेम्पल्स को कवर कर सकें। कुछ टेम्पल्स की जानकारी मैं आपको अच्छे से दे पाई, कुछ की नहीं भी दे पाई, क्योंकि भीड़ इतनी होती है वृंदावन में कि आप इतनी अच्छे से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और रिकॉर्ड तो यहाँ करना इतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बंदर इतने हैं, वृंदावन के बंदर, और कितने ही नटखट हैं वो, तो वो आपको इतनी आसानी से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने देते। तो इसीलिए जिस तरह से मैं कर पाई, उस तरह से मैंने अपनी कोशिश की है आपको दिखाने की। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी डाउट हो, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बस, आई होप आप सब वृंदावन जल्दी से आएँ। एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क ऑल योर डाउट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मैं आप बोलने जा रही हूँ वो है ये कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। हरे कृष्णा। तो अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूँगी कि 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया, जगन्नाथ, चाहे जहाँ जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन, श्यामा श्याम के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय।